अस्सलाम वालेकुम, रिया कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर आपको मेरा ये नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब ये नावल ख़त्म होने वाला है, 2 या 3 पार्ट्स इसके और रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ जैसे ये नावल आपको मेरा पसंद आया, आपको मेरा अगला नावल भी पसंद आएगा। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रोमांटिक है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मिस इंशा मीर, क्या ये सच है कि आपने ही आसिफ नियाजी का कत्ल किया? यस यू आर, मैंने ही कत्ल किया है आसिफ नियाजी का और मुझे इसका कोई गिल्ट नहीं है और ना ही कोई अफसोस। अगर आसिफ नियाजी जैसे दरिंदे को कत्ल करना जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ। अगर उस आसिफ नियाजी जैसे नासूर को इस दुनिया से मिटाना जुर्म है तो हूँ मैं एक मुजरिम। हाँ, मारा मैंने उसे ताकि वो फिर से किसी लड़की की नुस्वानियत का गरूर ना छीन पाए, उसकी रूह को ज़ख्मी ना कर सके। हाँ, मारा मैंने उसे ताकि वो फिर से किसी बाबा की गुड़िया को ना तोड़े। वो अदालत के कटघरे में बेखौफ व ख़तर खड़ी, अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए धाड़ी थी। इस केस की सारी कार्रवाई हर न्यूज़ चैनल पर आ रही थी और आज पाकिस्तान के घर घर में सब टीवी के सामने बैठे इंशा मीर का बयान सुन रहे थे। मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब अमेजन कर सकते हैं कि जब एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है? क्या आप उस बाप की बेबसी महसूस कर सकते हैं कि जिस बाप की बेटी की इज्जत लूटी गई हो और वो इंसाफ की उम्मीद लेकर कानून के पास जाए और वही कानून के मुहाफिज लुटेरे बन जाए? और ये माशरा क्या मेरे दर्द को महसूस कर सकता है जिसने सबसे पहले मुझे अपनी ही ज़बान पर ताले लगाने को कहा और मुझे ही कसूरवार ठहराया, जबकि गुनहगार कोई और था? नहीं, कोई नहीं महसूस कर सकता, ना मेरा दर्द ना ही मेरी तकलीफ। वह विक्टम बॉक्स में खड़ी अपनी कर्बनाक आवाज़ में कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स से सवाल कर रही थी, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पूरे कोर्ट रूम में खामोशी छा गई थी और वहाँ सिर्फ इंशा की आवाज़ गूंज रही थी और टीवी के सामने बैठी आवाम की आंखों से आंसू बहने लगे। यू ऑनर, मैं गुनहगार हूँ तो आसिफ नियाजी भी मेरा गुनहगार था जिसे मारकर मैंने अपना इंतकाम ले लिया। अगर मैं गुनहगार हूँ तो कानून भी मेरा गुनहगार है जिससे इंसाफ मांगने मेरे बाबा गए थे और उन्होंने इंसाफ नहीं किया, लेकिन एक बाप से उसकी बेटी को एक रात के लिए मांगा। आप सब उस बात की तकलीफ़ कर सकते हैं। अगर मैं गुनहगार हूँ तो ये माशरा भी मेरा गुनहगार है जिसने हमें मदद करने की बजाय हम पर बदचलमी के इल्ज़ाम आयद किए। मुझे तो सज़ा ये कानून दे देगा, लेकिन आप सबको सजा कौन देगा? बताएं मुझे। वो बोल नहीं रही थी बल्कि चिंघार रही थी और हर मुजरिम को सज़ा सुनाने वाली ये अदालत भी खामोश थी। खान विला में सारे घर वाले टीवी के सामने बैठे ये न्यूज़ देख रहे थे। अब जाकर उन्हें सही मायनों में इंशा की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ था। जज साहब ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा कि केस का फैसला कल सुनाया जाएगा और वो अपनी कुर्सी से उठ गए। अरशमान दौड़ कर इंशा के पास आया जो विक्टम बॉक्स में बैठी गहरे सांस ले रही थी और उसे लेकर गाड़ी तक आया और बैठने लगे थे कि मीडिया वाले आ गए और उससे सवाल करने लगे। अरशमान ने जल्दी से उसे सीट पर बिठाया और दरवाज़ा खोलकर खुद भी बैठा और गाड़ी भगा ले गया। आज हर जगह बस इंशा ही छाई हुई थी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल, हर जगह बस इंशा की खबर आ रही थी और पब्लिक तो रोड पर उतर गई थी और मुसलसल एक ही रट थी उनकी कि इंशा को रिहा किया जाए। वो इस मुल्क की बहादुर बेटी है। कोर्ट का फैसला कल पर मुलतवी किए जाने से अवाम गम व गुस्से का इजहार कर रही थी कि जब सब कुछ साफ साफ जाहिर हो गया है कि आसिफ नियाजी ही मुजरिम था जिसने इस मुल्क की ना जाने कितनी बेटियों को बेआबरू किया था, तो ऐसे में इंशा ने उसे मारकर कुछ गलत नहीं किया तो फिर अदालत ने उसे आज ही रिहा क्यों नहीं किया? इसलिए वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए रोड पर निकल आए थे। आदमी तो आदमी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां भी भरपूर एहतजाज कर रहे थे। अरशमान ने सीधे घर आकर गाड़ी रोकी और बिना उसकी तरफ देखे अंदर दाखिल हो गया। इंशा और अरशमान जब घर पहुंचे तो सारे घर वाले लाउंज में बैठे हुए थे। उन्हें आता देखकर सबसे पहले बेगम जवाद अपनी जगह से उठी और जल्दी से जाकर इंशा को गले लगाया।
मेरा बच्चा तुम इतने बड़े दुख देकर जी रहा था और हमें भला की नहीं लगने थी, कैसे तुम इतना सब कुछ सह रही थी और हमें देखो इतने दिन से हमारे साथ रह रही और हमें ज़रा भी पता नहीं चल सका। इंशा को लगा था कि सब उससे नफरत करेंगे क्योंकि उसकी वजह से उस खानदान का नाम भी मीडिया में काफ़ी उछला था क्योंकि वो उस घर की बहू थी और डीएसपी अरशमान खान की बीवी। इसलिए मीडिया, जिसे सच पता ही नहीं था, उन्होंने पब्लिसिटी के लिए काफ़ी बदनाम किया था कि इतने बड़े घर की बहू एक कातिल है और भी बहुत कुछ। उनके इस तरह माफ़ी मांगने पर इंशा की आँखें भर आई थी। उसने उन्हें ज़ोर से गले लगाया। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसकी माँ ने गले लगाकर उसके सारे गम मिटाने की कोशिश की हो। आंटी, आप माफ़ी मत मांगें, इसमें आप सबकी क्या गलती, इनफैक्ट गलती तो मेरी है जो मैंने आप सब से सच छुपाया। अरे नहीं मेरी जान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता। और वैसे तुम मुझे आंटी नहीं मामा बोलो, कितनी बार कहा है तुम मुझे बुरी सास बनने पर मजबूर मत करो वरना तुम मेरा गुस्सा जानती नहीं हो। उन्होंने माहौल की संजीदगी कम करने के लिए मजाहिया अंदाज में कहा, ओके मामा। वो उनके गालों को प्यार से छूते हुए बोली। फिर उसके बाद इंशा सबसे मिली। दीजान ने इंशा से कहा, बेटा अब फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ। उनकी बात पर इंशा ने सच बात में सर हिलाया और धीरे धीरे कदम उठाते अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसे अरशमान की खामोशी काफ़ी घुल रही थी। एक तो उसे मनाना नहीं आता था, उस पर से अरशमान पहली बार नाराज़ हुआ था, वो भी इतनी सख्त वाली नाराज़गी। वो कमरे में आ तो गई लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे। वो ज़िंदगी में पहली बार इतनी कंफ्यूज हुई थी। अरशमान बेड पर बैठकर कोई फाइल रीड कर रहा था, उसके आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। वो चलती हुई बेड के करीब आई और उसके चेहरे पर नसरें जमाए उसे मुखातिब करने की कोशिश करने लगी। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो बगैर उसकी तरफ देखे बिना बोला। इंशा को उसकी ये बेतनाई काफ़ी घुली थी, उसकी आंखें पल में नम हुई थी। अरशमान उसका हर अंदाज नोट कर रहा था लेकिन वो इतनी जल्दी मानना नहीं चाहता था और ऊपर से उसे मज़ा भी आ रहा था। वो अपनी मुस्कुराहट होंठों में सपेटे संजीदा आवाज़ में बोला, अगर कुछ बोलना नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ मुझे काम करने दो, बेवजह डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके इतने सख्त लहजे पर इंशा की आँख पल में नम हुई थी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, करो अपना काम, नहीं कर रही मैं डिस्टर्ब। हो ना हो, टके का ऑफिसर समझता क्या है अपने आप को, मुझे काम करने दो। जैसे सारी दुनिया का बोझ इसी पर है, दो मिनट बात नहीं सुन सकता था अपनी बीवी की, इंशा मुसलसल बड़बड़ाते जा रही थी लेकिन उसकी बड़बड़ाहट इतनी भी कम नहीं थी कि वो सुन ना सके। उसका खुद को उसकी बीवी कहना अरशमान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो अपनी खुशी का इजहार भी कर देता लेकिन वो तो नाराज था। वो ग्रे कलर की लॉन्ग कुर्ती पहने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जिसकी वजह से उसका ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। उसे अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था इसलिए उसने उससे इतनी रूडली बात की थी लेकिन उसे डांट कर खुद भी पछताया क्योंकि उसकी आंखों में नमी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके जाने से उसका दिल उचाट हो गया। उसे पता था वह नायरा के कमरे में गई होगी और उसका जल्दी आना मुमकिन ही नहीं। वो नायरा के कमरे की तरफ आई और दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि नायरा बेड पर मज़े से बैठी हुई थी और शारेस मोबाइल में देखकर उसके बालों की पोनियाँ बना रहा था। इंशा को देखकर वह गड़बड़ा गया और जल्दी से उसके बालों की पोनियाँ बनाकर उठ खड़ा हुआ। वो नायरा से नहीं हो रहा था इसलिए मैं बना रहा था। उसकी बात सुनकर इंशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने फौरन छुपा लिया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। नहीं तो मैं क्यों घबराऊँगा, आप लोग बात करें, मैं अभी आता हूँ। इंशा को हंसी आ रही थी। अगर कोई शख्स देखता तो यकीन नहीं आता कि ये बिजनेस टाइकून शहरेज खान है जिससे झुकना और घबराना सीखा ही नहीं। इंशा बहुत खुश थी कि उसकी बहन को इतना चाहने वाला शौहर मिला। दीदू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए शाह ने मेरी उसने इंशा को मुस्कुराते देखकर फौरन शाह की साइड ली। ओहो मेरी हनी, कब से इतनी बड़ी हो गई, इंशा ने उसके गाल खींचते हुए कहा। मतलब वो अपने शौहर की सफाई देने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। अचानक नायरा की आंखों में आंसू आ गए। इंशा परेशान हो गई, क्या हुआ मेरी जान,
दीदू आप इतनी तकलीफ में थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरा बच्चा, आपने इतनी सी बात के लिए अपने आप को बीमार कर लिया। दीदू इतनी सी बात नहीं है, मैंने सब टीवी पर देखा था। क्या तुमने कब देख लिया? तुम तो कमरे में थी ना। उसे हैरानी हुई क्योंकि शारेस ने कहा था कि वो रूम में उसके साथ ही रहेगा, तो उसने कब देखा? शाह रूम से बाहर गए थे तब मैंने देखा टीवी पर। ओ मेरी जान, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो और आराम करो। इंशा ने उसके गाल पर किस की और वहाँ से चली गई। अपने रूम में आई तो अरशमान सो चुका था। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास आई और बेड पर उसके बगल में लेट गई। अरशमान जो जाग रहा था उसे बगल में लेटते देखकर फौरन करवट बदली और इंशा को अपने हसार में ले लिया। इस अचानक हुई उफ्ताद पर वो बौखला गई और उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। चुपचाप लेटी रहो, अभी तो कैद है जज्बों की आंधियां दिल में, हमारा जब्त जो टूटा तो कियामत बर्पा कर देंगे। अरशमान ने उसे बाहों में कैद किए गंभीर सरगोशी करते हुए बोला, जिस पर इंशा के बदन में सनसनाहट हो और वो अपना सांस रोक कर उसकी कैद में बेहसो हरकत पड़ी है। अरशमान ने करवट बदल कर उसे अपने ऊपर झुकाया, तुम तो नाराज थे ना, तो अब उसने उसके गुलाबी होठों पर उंगली रखी और मध्यम आवाज में बोला, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं अपने पसंदीदा इंसान से ला ताल्लुकी इख्तियार कर लूँ। मैं कुछ पल नाराज हो सकता हूँ मगर फिर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि ज़्यादा मुखलसी भी बास औकात आप पर ही भारी पड़ती है, लेकिन फिर भी ताल्लुक कायम रखने के लिए अना को गिराना पड़ता है। दिलबर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ही मैं मुकम्मल हूँ, और जब तुम दूर हो तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी फजूल गुजर रही। तुम मेरी रूह हो, मेरी रूह का सुकून हो। मैं अपनी जिंदगी के हर सांस और दिल की हर धड़कन के साथ तुम्हारा रहना चाहता हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। वो उसके कानों में मीठी सी सरगोशी करते हुए बोला। इंशा उसके लफ्ज़ों की सहर में खो गई, जैसे वो कोई जादूगर हो और उस पर सहर फूंक रहा हो। अरशमान ने आहिस्ता से झुककर उसके नरम मुलायम पंखड़ियों जैसे लब को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और अपने लबों की प्यास बुझाने लगा। इंशा जो उसके लफ्ज़ों के सहर में खो गई थी अचानक होश में आई और उसके कंधों पर नाखून धंसा कर उसकी कैद से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरशमान के फुलादी कैद से आज़ाद ना हो सकी। और अरशमान को जब लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा तो आहिस्ता से उसके होठों से अपने होंठ जुदा किए। आज़ाद होते ही इंशा लंबे लंबे सांस लेने लगी। दिलबर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, बाकी की पिक्चर कल रात आपके मनाने के बाद। अरशमान अपने भीगे हुए निचले होंठ को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला और एक आँख विंग की। इंशा तो उसकी इतनी बेशर्मी पर कड़क कर रह गई। कैसा मनाना, तुम नाराज कहाँ हो, अब तो मान गए हो ना? नहीं दिलबर, मैं अभी भी नाराज़ हूँ, ये तो बस ट्रेलर आपको दिखाया है, बाकी का कल आपको पता चल जाएगा। उसकी बात पर इंशा ने झट से अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपाया। वो घबराई और शर्माई हुई सीधा अरशमान के दिल में उतर रही थी। अरशमान ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, वरना दिल तो उसकी गुर्बत का तलबगार था और वह भी करवट बदल कर सो गई। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।